जब गुरुजी अपने चरणों में लेते हैं और आपकी यात्रा शुरू होती गुरु जी के साथ पता नहीं लगता कि आपके साथ हो क्या रहा है कंडीशन एक ही है कि आपका समर्पण होना चाहिए आपका गुरु जी के प्रति प्रेम पूर्ण रूप से और वो दो संडे मुझे इतने भारी गुजरे हैं खास करके सेवा के समय पे, तो मैं काम पे होने के बावजूद भी पीछे सत्संग लगा लेता था तो ऐसा लगता था कि मैं जुड़ा हूँ मगर वो जो सोनापन है वो जो खालीपन है जो आपको उन्होंने सेवा बख्शी है जो अपना प्रेम बख्शा है जो मेहर बख्शी है आपसे कुछ करा के तो हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी जो सेवा देते हैं गुरु जी अपने चरणों में बुलाते हैं और आपको जो कुछ भी वो देते हैं हम उसका उसके लिए हम उनका सशक्त नमन करते हैं और हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि गुरुजी ने हमें जिस भी तरह की सेवा बख्शी है या आपको यहाँ तक आने के लिए आपके चरण गुरु जी के चरणों में आने की जो आपको आज्ञा मिलती है तो हम सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं और एक YouTube पे अनु मांगो करके आंटी का सत्संग है आ, मेरी सारी संगत से प्रार्थना है जो सुन रहे हैं वो जो यहाँ मौजूद हैं आप उनका सत्संग जरूर सुनिए जब अभी साखी में वो बात कर रहे थे कि इतना कुछ आपको देता है ईश्वर और हम उसके बाद भी मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं और बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी में निष्काम कामना से रहित और उसका उल्टा है कि सुकाम जो आप आप खाली ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर के प्रेम के प्रति आप अगर ईश्वर भक्ति में लगें तो ईश्वर आपको सब कुछ देता है जैसे गुरु रविदास को दिया मांगो आंटी के सत्संग से बहुत उनका करीब 54 मिनट का सत्संग है Um, एक दो उसमें की कुछ सीख सीखें जो मुझे समझ में आती हैं सब तो लोगों से शेयर करता हूँ कि 1994 में उनका एक्सीडेंट हुआ शी वॉज अ वेरी हैप्पी गो लकी फ्रॉम तो अ वेरी गुड फैमिली मैरिड हियर इन वेस्ट वेस्वरजीनिया और उनको एक बेटा था साईं में मानती थी और उन्होंने भगवान से लड़के एक अपने लिए बेटी मांगी 94 में उनका एक्सीडेंट होता है और इट वॉज सच अ मेजर एक्सीडेंट कि डॉक्टर्स उनको यहीं यू में कि बोलते हैं कि आपको आई डोंट थिंक यू हैव टू टेक दम ऑफ द लाइफ सपोर्ट और uh, मगर वही होता है शी वॉज वेरी यंग शी सेज की शी वॉज ओनली ट्वेंटी सेवन एंड आई कैन अंडरस्टैंड और उनको एक बेटा भी था मगर इस एक्सीडेंट में उनको कुछ नहीं होता ख़ास ज़्यादा uh, नहीं उनको तकलीफ होती मगर उनके पति और बेटी को बहुत ज़्यादा मतलब वो मरने की स्थिति में होते हैं तो वो लड़ती हैं ईश्वर से और मांगती हैं और बोलती हैं कि नहीं मेरा जितना भी जीवन है वो जीवन को मैं आ, इनकी सेवा में लगा दूंगी डॉक्टर बोलते हैं कि घर में दो पेशेंट हैं और ये दोनों कभी ज़िंदगी में खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पे। तो यू आर साइनिंग ऑफ फॉर समथिंग दैट्स लाइफ लॉन्ग एंड आई डोंट थिंक यू शुड डू इट बट वही होता है ना कि हम ईश्वर के पास आते हैं हम कामना से पूर्ण हैं और उनको सब कुछ चाहिए जिस भी स्थिति में और मैं रिलेट कर सकता हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा कि मेरी से एक बड़ी बहन थी मैंने नाइनटीन एट में उनको खोया और उनको जला के मार दिया गया था और ईश्वर के सामने और मैंने कोई मृत्यु तो नहीं देखी थी अपने जीवन में मैंने मेरी परदादी को भी देखा नाना नानी दादा दादी सब कुछ भरा पूरा परिवार कभी मृत्यु को नहीं महसूस किया और उनको नाइन्टी परसेंट बर्न हो गए थे उनके ख़ुद के हस्बैंड ने उनको जला दिया था और पहली बार ईश्वर के आगे मेरे हाथ उठे और मैंने ईश्वर से बोला कि इनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं क्योंकि डॉक्टर बोलते थे कि बर्न के केसेस में 25 परसेंट के बाद लाइफ इज़ नॉट लिवेबल तो पहली बार मैंने ईश्वर के आगे हाथ जोड़े और बोला कि ईश्वर अगर इनका जीवन देना है तो अच्छे से दो और वरना आप इनका जीवन ले लो आई वॉज़ वेरी यंग आई फेल गिल्टी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बट जीवन फिर आपको सिखाता है और शायद आपकी परिस्थितियाँ जिंदगी के थपड़े हम पांच भाई बहन थे जीवन उठा पटक का था पिताजी बीमार रहते थे तो बहुत कम उम्र में शायद मैं आज ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो शायद बुद्धि दी कि आप हाथ उठा के ईश्वर से मांगे उस समय तो बहुत गिल्ट थी और अनु आंटी का जब मैं सुन रहा था तो उसको यही लगता है कि वन यू हैव एवरी थिंग यू डोंट नो एनी थिंग इन लाइफ तो एडवर्सिटी रूयली टीचर्स यू समथिंग तो जब ईश्वर हमको कुछ विपत्ति देता है हमको कसता है और ज़िंदगी को जीने की एक प्रेरणा देता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है तो अनु आंटी के सत्संग आप सबसे आ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सुनिए तो आप जानेंगे कि हम जब कामना से परिपूर्ण होते हैं हम कुछ भी मांग बैठते हैं और बाद में हमें समझ में आता है कि हमारे लिए ईश्वर जो कर रहे थे हमारे अच्छे के लिए कर रहे थे ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा संपूर्ण समर्पण यही है सारे शास्त्रों में भी यही है तुलसीदास जी लग गए हैं कि ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे नर हर रंग रहे कि जो अपनी सारी आशा छोड़ के सिर्फ ईश्वर के चरणों में अपने आप को लगा लेते हैं और ईश्वर के रंग में रंग जाते हैं वही सच्चे भक्त हैं और उनको ही ईश्वर अपना सब कुछ प्रदान करता है खैर गुरु जी के साथ गुरु जी के चरणों में ये पूरा वर्ष उन्होंने निकाल दिया कोविड के बावजूद मैं समझता हूँ हमारी सब संगत सुरक्षित है स्वस्थ है और आने वाले 31 तारीख को हम लोग शाम को सात बजे से सत्संग करेंगे यहाँ पे सात से साढ़े आठ और उसके बाद परफॉर्मेंसेस हैं परफॉर्मेंसेस के बाद लंगर प्रसाद है और उसके बाद आई थिंक साढ़े नौ दस जब बज जाएगा तो इट्स अ ओपन फ्लोर आप सब लोग गुरुजी के चरणों में आके अपना नववर्ष गुरु जी के साथ मनाएं ग्यारह बजकर पचपन मिनट पर हम मंत्र जाप करेंगे क्योंकि गुरु वही कर रहते थे अपने समय में और हम चाहते हैं कि जो नए वर्ष में हमारा प्रवेश हो वो गुरुजी की याद के साथ हो उनके नाम के साथ हो तो आप सब सादर आमंत्रित हैं उस दिन के लिए अपने परिवार के साथ आएँ और गुरुजी के चरणों में अपना नव वर्ष मनाएं और फर्स्ट को शाम को सात बजे से फिर रेगुलर सत्संग है और उसके डेढ़ घंटे के सत्संग के बाद फिर आरती होगी और उसके बाद लंगर प्रशाद है तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवार मित्र सभी को लेकर आएँ और गुरु जी के साथ अपना नववर्ष मनाएं आज हमारे बीच अजय अंकल हैं वो आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करेंगे अजय अंकल जय गुरु जी जय गुरु जी टोटली ब्लैंक लाउटू गुरु जी <laughs> जो सोच के आया था वो पता नहीं जो भी निकलेगा गुरु जी माफ करना। uh, मैंने यहाँ के सिर्फ तीन चीजें सीखी हैं यहाँ पे मंदिर में आके गॉड नहीं गॉड लविंग बनो और uh, ये मैंने कैसे सीखा जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ ट्वेंटी में मैंने गुरु जी की फ़ोटो देखी थी वेबसाइट पर एक और बैठा हुआ था घर पर एंड वन ऑफ माई सेकेंड कजन्स उनका हस्बैंड गुरु जी को मानते थे तो मैंने ऐसे देखा गुरु जी को और बोला एक और गुरु जी आ गए कैसे लगते हैं शकाल की तरह एंड थोड़ा मजाक भी किया एंड ऑन द साइड माई वाइफ स्टार्टिड कमिंग टू एडिसन मंदिर विद विद दुझे नहीं पता था यहाँ आते थे वो बट एक दिन मेरी वाइफ बोले कि भाई तुम भी चलो हमारे साथ बहुत ही अच्छा है सुकून होता है वहाँ पर बट आओ लेट्स गो एंड सडनली जब मैं वहाँ आया और भी ये फोटो देखी एंड आई वॉज इन ए शॉक कहाँ मैंने उनका मजाक उड़ाया था और आज उनके साथ बैठा हुआ था और उसके बाद मैं आ, ये सत्संग शेयर भी किया था अनुराग अंकल जानते हैं ये वाला सत्संग एंड उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एंड उस दिन अनुराग अंकल ने एक चीज़ मुझे बोली थी कि ये जो तेरी मुंद्रियाँ ये भी निकाल दे अपने हाथों से अगर तू तो यहाँ पे बिलीव करता है थोड़ा टाइम लगा मुझे बट हाँ गॉड फीलिंग नहीं गॉड लविंग बनो कोई डर नहीं है यहाँ जब गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं ये नहीं सोचा करो कि भी मैं ये करता हूँ या वो करता हूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा सारी बिलीव्स ना हो कुछ भी है गुरुजी पे छोड़ दो ओके सो दैट्स व्हाट आई लर्न टिल टुडे आज भी मैं सुबह निकलता हूँ बड़े प्यार से सनराइज़ सु, देखते हुए मैं और मेरा डॉग जूनियर अपना सत्संग वो लगा देते हैं यूट्यूब पर और पूरा फुल ब्लोन वॉक करते हुए जाते हैं और गुरु का नाम लेते हैं एक दिन नहीं भी चल रहा था तो इवन मेरा डॉग भी आजकल मुझे देखता है कि यार तूने म्यूजिक नहीं लगाया सो देट इज अ थिंग दूसरा मैंने यहाँ ये सीखा है कि कम्युनिटी वेरी स्ट्रांग है ये जो कम्युनिटी है जो मिली है इट इज अमेजिंग ओके मेरे किड्स कैसे ज्वाइन हुए हैं इस कम्युनिटी के साथ मेरी बड़ी बेटी कैसे जॉइन हुई घटी विल डिस्क्राइब दैट माइसान घर oh, पे भी कुछ नहीं करता अपने आप आके के सेवा करता है इट्स इट्स अमेजिंग वाइफ तो जुड़ी हुई थी तो मैं बीच वाली बेटी का एक सुनाता हूँ उसका एग्ज़ाम चल रहा था कहती है पापा मुझे कुछ दिमाग में कुछ नहीं आता तो मैं क्या करती हूँ सत्संग लगा देती हो सो so, गुरु के साथ कनेक्ट होने की अपनी ही जर्नी है देखो मुझे भी बहुत टाइम लगा कनेक्ट होने के लिए बट टुडे uh, गुरु जी जब भी बुलाते हैं कुछ भी करते हैं मैं बोलता हूँ गुरु जी की मेहरबानी है एक छोटा सा पॉजिटिव सत्संग शेयर करता हूँ रिसेंटली मैंने ऐसे ही बोला गुरु जी आप हमारे घर पे आओ ये है फोटो लगी हुई है ऐसे कुछ कुछ इंडिकेशन दो आउट ऑफ द ब्लू मेरा एक फ्रेंड है गिफ्ट लेके आया हमारे लिए उसने एक साइन uh, चावला उसका लगवाया और उसके नीचे क्या लिखा है जय गुरु जी दैट माई फ्रेंड डजेंट बिलीव इन गुरु जी यस ही नोज आई गो टू गुरु जी टेम्पल बट एज ए टोकन ऑफ एप्रीशिएशन ही ब्रॉट दिस नॉट ओनली दिस ही ब्रॉट ए उसने अपने भाई को बोला एक पिक्चर बनाओ गुरु जी की और मैं इसको गिफ्ट करूँगा उसकी एनिवर्सरी पे और उसने मुझे वो भी दे दी बिफोर दी एनिवर्सरी ने उस पर नीचे लिखा हुआ है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी कोई विश्वास नहीं है उसको गुरु जी पे कहीं कभी टेम्पल नहीं आया गुरु जी के अपने आप अप गुरु जी ने मुझे इंडिकेशन दे दिया कि मैं तेरे साथ हूँ सच ए पॉजिटिव फीलिंग थी वी सो ओवरवेलम दैट डे कि गुरु जी अपने आप ही घर आए एक सत्संग मैं शेयर करूंगा मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था एंड आई से सेव क्यू गुरु जी कष्ट क्यों दे रहे हो क्यों हुआ ये एक्सीडेंट बट जैसे अभी भाजपाई अंकल ने बताया ना जो भी कुछ होता है ना देर इज ए दर इज़ ए रीज़न फॉर इट ओके गुरु जी इज़ नॉट गिविंग यू एनी फेंस और एनी थिंग लाइक दैट बट देर इज दे आर कार्विंग आउट ए वे फॉर यू सो हमारा एक्सीडेंट हुआ वी ऑल वर इन द फैमिली मेम्बर्स वर देर एक्सेप्ट फॉर आई थिंक वन ऑफ माई किड्स व नॉट देर पानी वॉज नॉट देयर बट अवनी की एक फ्रेंड थी हमारे साथ पूरी पूरी गाड़ी के बारह के बारह एयर बैग्स खुल गए थे क्योंकि okay. मेरे हाथ में चोट लगी थी मेरी रिस्ट फ्रैक्चर हुआ था बट uh, मैं ही सोचा है गुरु जी मेरे को क्या चोट देनी थी किस लिए देनी थी बट उस टाइम मेरे ना ऑफिस में बहुत बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही थी क्योंकि okay. एंड uh, अगर ये मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो आई वुड बीन फायर्ड

चेस्ट फ्रैक्चर हुआ जरा सी सर्जरी हुई आई वॉज फाइन बट टिल टूडे आई से दैट जय गुरु जी यू हैव गिवन मी एवरी थिंग मैं तो बोलता हूँ शुक्राना गुरु जी हर पल शुक्राना, आप मेरे साथ हमेशा हैं, छोटी छोटी चीजें कुछ भी हो आई बिलीव दैट गुरु जी इज डूइंग एक और सत्संग करूँगा, छोटा सा है लास्ट वीक मैं बड़े दिन से सेवा नहीं करी थी मैं आया अंकल को बोला अंकल आज सेवा दे दो तो अंकल ने कहा चलो बॉक्सेस बना दो सारे बैग्स में डाल दो एंड मैं थोड़ा सा ईगोइस्टिकली मैं ऐसे ही बोला यार बड़ी जल्दी काम कर दिया मैं उस फीलिंग वेरी पॉजिटिव यार बहुत अच्छा काम किया बाद में अंकल आए एंड आई वाज सिंग आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट अपने दिमाग में मैं सोच रहा हूँ बड़ा परफेक्शनिस्ट यार काम सारा ख़त्म हो गया है गुरु ने उसी टाइम अंकल ने आके मुझे बोला बेटा तुमने टिश्यू पेपर से डालने भूल गए तो <laughs> so मैंने कहा गुरुजी <laughs> प्रोफेक्शनिस्ट मैं नहीं आप हो <laughs> सारे डब्बे खुलवाए <laughs> और टिश्यू <टीशु> पेपर डलवाए <laughs> यही है अब गुरुजी पे मानो वो देते ही रहते हैं मांगने की जरूरत नहीं हम है। मांगते हैं बट कीप ऑन गोइंग जस्ट जस्ट बिलीव इन हिम एंड आप सबकी अपनी अपनी जर्नी है ओके okay. सब डिफरेंट है सब गुरु जी कब कनेक्ट होते हैं पता भी नहीं चलता सो so, मैं यही कहूँगा पॉजिटिवली जय गुरु जी ओम नमस् शिवाय शिव जी सदा आये ओम नमस् शिवाय गुरु जी सदा आय जय गुरु जी थैंक यू अजय अंकल फॉर शेयरिंग योर सत्संग और अंकल के सत्संग से वो हम लोग जो टेस्ट करते हैं ना गुरुजी को तो आज सुबह मैं सत्संग सुन रहा था एक अरोड़ा अंकल है रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर अभी आज ही है कल उनका सत्संग अपलोड हुआ तो गुड़गांव में एक संगत है वो तो गुरु जी की सेवा के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं और हर 25 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो वो लोग उनके घर में जिनके घर में होना था उनके घर में बहू आई है नहीं तो शीतन नो अबाउट गुरु जी तो सास ससुर अपनी उम्र के हिसाब से पूरे जोशों खरोश से लगे और बड़ी उन्होंने सेवा की बहुत मेहनत से लंगर बनाया बहू आती है देखती है बोलती है लोग सुबह से लगे हुए हैं और गुरु जी आप जो भी हो तो ये लंगर खाना ज़रूर और इतनी बात बोलती है और वो वहीं ठीक ठाक लड़की यंग और वो फेंट होकर गिर जाती है उसको उठाते हैं और तो उसको पूछते हैं कि क्या हो गया तेरे को तू तो बहुत चंगी थी वो बोलती है कि जैसे मैंने वही बोला कि गुरुजी आप आना ज़रूर खाना तो मैंने देखा कि गद्दी पे गुरुजी जी विराजमान है और वो देख के वो फ्रेंड हो गई तो जय गुरु जी सबके अपने सत्संग हैं और साक्षात शिव हमारे गुरु जी अपनी लीला दिखाते रहते हैं आप लोग गुरु जी के चरणों में लगे रहिए सच्चे प्रेम से सच्ची श्रद्धा भाव से और इसी तरह से गुरु जी जैसे ये साल निकाल रहा है उनकी कृपा से हमारी जिंदगी इसी तरह से सुखद बीतेगी बाकी जो लोग यहाँ पे बैठ के अपना लंगर प्रसाद करना चाहें वो कर सकते हैं और जो साथ ले जाना चाहें वो साथ में ले जा सकते हैं आज के लिए बस इतना ही समाप्ति जय गुरु जी